मॉर्निंग स्टूडेंट, हम जो है शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत सेकंड यूनिट में प्रधानाध्यापक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। प्रधानाध्यापक जो है संस्था का प्रधान माना जाता है, अर्थात एक जहाज में जिस प्रकार नाविक की कैप्टन की भूमिका होती है, जो जहाज को आगे ले जाता है, उसी प्रकार से प्रधानाध्यापक जो होता है एक संस्था का कप्तान है, जो अपनी प्रबंधन के माध्यम से, शैक्षिक प्रबंधन के माध्यम से संस्था को प्रगति की ओर ले जाता है। तो एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में हमने विस्तृत से अध्ययन कर लिया है। एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत ही जो है प्रधानाध्यापक का विद्यालय में मैनेजमेंट, वो प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। विद्यालय जो के संचालन में एक प्रधानाध्यापक को किन किन का मैनेजमेंट करना पड़ता है, किस किस का प्रबंधन करना पड़ता है, उसके उसका जो है हम आज अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत जो है पहला प्रबंधन जो है कार्य का विभाजन, रुचि अलग अलग, ठीक है। विद्यालय में सभी श्रेणी के कर्मचारी कार्य करते हैं और उन श्रेणी की योग्यता और रुचि को ध्यान में रखकर उनको कार्य दिया जाए, क्योंकि यदि हम व्यक्ति की योग्यता है और उसको उस कार्य में रुचि नहीं है और किसी दूसरे कार्य में रुचि है और हम कार्य उसको बिना रुचि वाले दे देंगे, तो कार्य देते हैं, तो बालक
समय सारणी जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं। टाइम टेबल जो है वो विद्यालय का एक कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिना टाइम टेबल के कार्य जो है समय पर निर्धारित समय पर संपन्न नहीं। इस व्यवस्था को चलाने के लिए या विद्यालय को सही व्यवस्था में चलाने के लिए टाइम टेबल का निर्माण किया जाता है और टाइम टेबल में जो हमारे वर्किंग आवर है उस वर्किंग आवर में हमको कार्य का विभाजन करना होता है। तो जो समय सारणी है उस समय सारणी को ध्यान में रख के हमको जो है उस टाइम को ध्यान में रख के हमको हर व्यक्ति के कार्य का अपने जो विद्यालय की समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए और उसमें हर गतिविधि को समुचित स्थान मिलना चाहिए। तो जो समय सारणी का प्रबंधन है वो जो है प्रधान अध्यापक को विद्यालय संचालन के लिए करना होता है। इसके बाद है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। चौथा है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर कराना चाहिए। प्रतिदिन जो है बालक को योगा कराना चाहिए। आजकल योगा जो है प्रारंभ प्रार्थना के समय भी जो है योगा का कराया जाता है। उसका उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब बालक का स्वास्थ्य कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब तक बालक स्वस्थ नहीं होगा तो उसका शिक्षण बालक की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बालक को स्वस्थ रखने के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य कराए जा रहे हैं उसमें जो है उसका प्रबंधन जो है बहुत ही ध्यान से और ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन उसमें रखा जाना चाहिए जिससे बालक का शारीरिक नेक्स्ट है अनुशासन संबंधी। क्योंकि विद्यालय का जो संचालन करना है उसमें यदि अनुशासन नहीं होगा तो एक विद्यालय जो शिक्षा के उद्देश्य को लेकर संचालित किया जा रहा है वो उद्देश्य की पूर्ति को नहीं कर पाएगा। हम घर में भी यदि अनुशासन में नहीं रहते हैं तो हमको माता पिता के द्वारा दंड दिया जाता है। अर्थात और यदि जिस घर में बालक को अनुशासनहीनता पर दंड नहीं दिया जाता तो वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता या हम ये कहें कि वो एक ह्यूमन नेचर जो होता है उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो विद्यालय के प्रबंधन में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अनुशासन के लिए आदर्श स्वयं को प्रस्तुत करना होता है। यदि हम स्वयं आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे